नमस्ते, नंदिनी की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी इडली मंचूरियन। यहाँ हमारी इडली जो बची हुई है, इस बची हुई इडली से मैं आज आपको मंचूरियन बना के बताऊंगी कि कैसे इडली मंचूरियन बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इडलियों को काट लेंगे। मैंने इडलियों को काट लिया है। चलिए इसे हम थोड़ा सा हल्का सा तेल में फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई को रख दिया है, इसमें तेल भी डाल दिया है। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम इडलियों को डाल देंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमारा इडली फ्राई हो रहा है, तब तक हम इसका ग्रेवी बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है और तेल भी हमारा लगभग गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, इसे डाल दूंगी। कुछ तो सेकंड के लिए इसे भी हम पका लेंगे। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। यहाँ मैंने एक प्याज काट लिया है, इसे डाल दूंगी। और प्याज में मैं नमक डाल दूंगी ताकि हमारा प्याज जल्दी से पक जाए। एक दो मिनट के लिए हम प्याज को पका लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे इडली को। देखिए हमारा इडली हो गया है, इसे थोड़ा हल्का और हम पका लेंगे। प्याज हमारा पक गया है, इसमें मैं सब्जी डाल दूंगी। सब्जी में मैंने यहाँ शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी और बीन्स लिया है, इन सब्जियों को हम डाल देंगे। और इसे भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। हम इन सब्जियों को 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये सब्जी में नमी आ जाए और ये जल्दी से पक जाए। अब हम चेक कर लेंगे, सब्जी हमारी पक गई है। अब इसमें मैं चाट मसाला डाल दूंगी। ये 1 चम्मच चाट मसाला है, इसका लिंक मैंने शेयर किया है। ये सब्जी मसाला 1 चम्मच, इसका भी लिंक मैंने शेयर किया है। अब इसमें हम ये होममेड सोया सॉस है, इसे डाल दूंगी। सेजवान चटनी, इसका भी लिंक मैंने शेयर किया है, इसे डाल दूंगी। केचप, इसे डाल दूंगी 1 चम्मच। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे हम। यहाँ मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। इसमें मैं पानी डाल दूंगी और एक घोल तैयार कर लूंगी। और इसे हम सब्जी में डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम चेक कर लेंगे हमारे ग्रेवी में उबाल आया है कि नहीं। आ गया है। अब इसमें मैं इस जो मैंने इडली को फ्राई किया था इसे डाल दूंगी और इसे चला लेंगे हम।
और इसे एक मिनट के लिए हम ढक लेंगे। इसके बाद हमारा इडली मंचूरियन बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा इडली मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है। आपको यदि मेरे इस मंचूरियन बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।